Assalamu alaikum, this is Amir Rafiq from 5G Properties, the platinum sales partner of Lahore Smart City and Capital Smart City. उम्मीद है आप सब अमन में होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे. अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुशो खुरम रखें, आमीन. आज के हमारे वीडियो टॉपिक कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान में 400 फीट का बुलेवार्ड कहाँ पर है, इसकी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट किस जगह पर मुकम्मल हुई है, कितनी हो चुकी है, कितनी रह गई है, इसके अलावा वर्सी सेंट्रल में कहाँ कहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ है, ब्राउनिंग हुई है और जहाँ नहीं हुई वहाँ पे क्या ज़मीन का मसला तो नहीं, ये सब कुछ और बहुत कुछ इसी वीडियो में. कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान गूगल अर्थ पर रखते हैं तो ये ओवरसीज सेंट्रल की लोकेशन है और 400 फीट का बुलेवार्ड ये आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. बुलेवार्ड की एंट्रेंस मोटरवे इंटरचेंज से गेट प्रेसेंट तक और यही सेम 400 फीट की बुलेवार्ड ओवरसीज सेंट्रल को टच कर रही है. ओवरसीज सेंट्रल को पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी इस बुलेवार्ड के राइट साइड पर बनाना चाह रही थी, मेन एंट्रेंस के राइट साइड पर, लेकिन ज़मीन एक्वायरेशन की वजह से दुश्वारी हासिल हुई जिसकी वजह से फिर मेन इंटरचेंज के लेफ्ट साइड तक ओवरसीज सेंट्रल को और मास्टर प्लान को एक्सपेंड किया गया है. ओवरसीज सेंट्रल की अप्रोक्सीमेटली 70% तक लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है और गूगल अर्थ के ऊपर अगर आप इसकी कटिंग एंड फिलिंग का जायजा लें तो जहाँ जहाँ कटिंग एंड फिलिंग हो चुकी है ये ज़मीन सोसाइटी के पास एक्वायर्ड है और जहाँ पे अभी तक ब्राउनिंग नहीं हुई या कटिंग एंड फिलिंग नहीं हुई ये एरिया अभी तक सोसाइटी हासिल करने में लगता है नाकाम रही है. यह आप मास्टर प्लान में देख सकते हैं कि ओवरसीज सेंट्रल का जो सबसे राइट पार्ट है जिसको डॉक्टर्स इनक्लेव कहा जाता है, इसकी लेक से राइट साइड के ऊपर कटिंग एंड फिलिंग तो हो चुकी है लेकिन लेक के लेफ्ट साइड पे अभी तक एरिया ब्राउनिंग नहीं हुई. हाँ, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ एरिया पे मशीनरी ज़रूर लगी हुई है तो 2-3 माह तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा पार्ट ओवरसीज सेंट्रल का लिटिगेशन में है या एक्वायर्ड नहीं है और कौन सा पार्ट एक्वायर्ड हो चुका है. ओवरसीज सेंट्रल का आप अप्रॉक्सीमेटली 70% लैंड एक्वायरेशन अपने जहन में रखें, रिमेनिंग 30% भी सोसाइटी पूरी कोशिश कर रही है कि एक्वायर्ड कर ही ले. इसी तरह ओवरसीज सेंट्रल का जो निचला हिस्सा है जिसको मैं ओवरसीज सेंट्रल मिनी कह रहा हूँ, जहाँ लास्ट वीडियो में मैंने आपको सरकारी रोड भी दिखाई थी, इस एरिया की अगर आप इसकी ब्राउनिंग का देखें तो इस एरिया की ब्राउनिंग राइट साइड पे तो हो चुकी है जबकि सरकारी रोड के लेफ्ट साइड और निचली साइड पे अभी तक ब्राउनिंग नहीं हुई. चूँकि ये गूगल अर्थ की वीडियो इमेजरी पुरानी है इसलिए आपको ये चीज़ें मेरी लास्ट वीडियो ओवरसीज सेंट्रल की उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. लेट्स गो बैक टू रियल टाइम वीडियो. ये नीचे ड्रेनेज है जहाँ से वीडियो का आगाज़ हो रहा है, ये मास्टर प्लान पे इस जगह पर है. इस ड्रेनेज के राइट साइड पे गेट प्रेसेंट वाली साइड पे अभी तक कटिंग का इस रोड का काम शुरू नहीं हुआ. इस ड्रेनेज से लेफ्ट साइड पे टुवर्ड्स ओवरसीज सेंट्रल ही आपकी मेन बुलेवार्ड का काम शुरू हुआ है. मेन बुलेवार्ड 400 फीट बुलेवार्ड की कटिंग एंड फिलिंग काफ़ी स्पीड से चल रही है और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ओवरसीज सेंट्रल मिनी की फिलिंग का काम भी चल रहा है. इस 400 फीट बुलेवार्ड का काम तकरीबन 2 किलोमीटर तक मुकम्मल हो चुका है, यानी कि ब्राउनिंग मुकम्मल हो चुकी है. अभी यहाँ पर ब्राउनिंग के बाद इसकी सीवरेज का काम, पाइपिंग वगैरह अभी तक शुरू नहीं हुई, जस्ट ब्राउनिंग का काम 2 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है. 1 से 1.5 साल के अंदर इन्होंने मास्टर प्लान में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की हैं जिसमें मास्टर प्लान भी आपका ओवरसीज सेंट्रल के पास आया, ओवरसीज सेंट्रल की लोकेशन भी तब्दील हुई, मास्टर प्लान भी अपने राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सपेंड हुआ, यानी कि 1,05,000 कनाल का मास्टर प्लान आया है. ये वो सरकारी रोड है जहाँ लास्ट वीडियो में ओवरसीज सेंट्रल की मैंने काफ़ी डिटेल्ड में लोकेशन भी एक्सप्लेन की और ये जो आपको जहाँ पे ब्राउनिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही और ये जो 2 मकानात जहाँ पर बाउंड्री पे FDHL भी नहीं लिखा, ये जाहिर करता है कि ये सोसाइटी अभी तक एक्वायर्ड करने में नाकाम रही है ये ज़मीन. जबकि इसी सरकारी ज़मीन के साथ जो मेन बुलेवार्ड है उस पर काम चल रहा है, ज़मीन मुकम्मल एक्वायर्ड है और सोसाइटी अपनी स्पीड के साथ यहाँ पर काम कर रही है. बैक टू 400 फीट मेन बुलेवार्ड, राइट साइड पे आपकी गवर्नमेंट रोड और वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे अर्थवर्क नहीं हुआ, जो जाहिर कर रहा है कि
ये ज़मीन अभी तक एक्वायर्ड नहीं है, और ये नीचे आप देख सकते हैं मशीनरी काफ़ी स्पीड से कटिंग एंड फिलिंग कर रही है। पोटोहार रीजन होने की वजह से ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड पे जहाँ पर ये आप डेप्रिसिएशन में एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर 8 मरला के कमर्शियल्स की कटिंग होनी है। कमर्शियल्स में वैसे भी 2 बेसमेंट्स पार्किंग के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए ये एरिया उसके लिए मौजूद है। ये वो लास्ट पार्ट है जहाँ तक कभी सोसाइटी ने काम किया, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स, और काम अपनी स्पीड से चल रहा है। सोसाइटी जहाँ जहाँ पर लैंड एक्वायर्ड कर चुकी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम कर रही है, लेकिन ज़मीन एक्वायरेशन एक अपना टाइम रखता है और एक स्लो प्रोसीजर है जिस पर हम क्लाइंट्स को ज़रूर वेट करना पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ का ये ट्रेंड बन चुका है कि ज़मीन साथ साथ एक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है कि इतनी बड़ा एरिया अपनी जेब से ख़रीद के डेवलप कर पाए, जिसकी वजह से क्लाइंट्स किस्तें तो पूरी दे देते हैं वक्त के ऊपर, लेकिन उनको वक्त के ऊपर कब्ज़ा नहीं मिलता। एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड जिसका कोई सलूशन गवर्नमेंट लेवल पे नज़र नहीं आ रहा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 0331-3444-004।